शाम का ये अद्भुत नजारा जहां पर आप सब आज की शाम के गवाह हैं, और लगभग 3-3.5 घंटे हो चुके हैं। शायद मैं बहुत समय के बाद एक ऐसा कार्यक्रम देख रहा हूं जहां पर 3.5-4 घंटे से लगातार लोग पूरे उत्साह और जोश के साथ में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए जुड़ाव और आप लोगों के प्यार और स्नेह का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और बच्चे जो यहां पर परफॉर्म कर रहे थे, क्या कमाल की परफॉर्मेंस की, उन सभी बच्चों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सतीश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक बीड़ा जो उन्होंने वर्षों पहले उठाया था उसको इतने शानदार तरीके से यहां तक लेकर के आए हैं और आगे भी इसको और तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। बस ऐसे तालियां नहीं बजाते रहना पूरा माहौल, अपने पास और कुछ है नहीं, है ना। पीछे वाले भी निकल गए हैं, मैं अकेला खड़ा हूं। मैं बच्चे जो परफॉर्म कर रहे थे उनके बारे में दो लाइनें बोलना चाहूंगा। आपको मजा आए तो जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत सारी बातें की, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन बच्चों को देख करके लग रहा था कि बच्चों को बच्चा कहना बच्चों का अपमान है। बच्चों को बच्चा कहना अब बच्चों का अपमान है। हर लड़की कैटरीना और हर लड़का सलमान है। और मुझे पता भी जोरदार तरीके से तालियां दुगनी होगी कि बच्चों को बच्चा कहना बच्चों का अपमान है। हर लड़की कैटरीना और हर लड़का सलमान है, और मेरी महबूबा इतनी सुंदर जितना हिंदुस्तान है। ये तो मजा आता है ना कि जिस तरीके से पूरा हाउस एकदम तालियों के साथ बॉम हो जाता है सब्जियों के सीजन में। अभी से दुगनी तालियां बजेंगी। एक लाइन और बाकी है कि बच्चों को बच्चा कहना बच्चों का अपमान है। हर लड़की कैटरीना और हर लड़का सलमान है, और मेरी महबूबा इतनी सुंदर जितना हिंदुस्तान है, और उसका बाप दुष्ट है इतना जितना पाकिस्तान है। ऐसे बहुत बने रहे राजीव दुबेदिया के बीच मंच पे हैं। दुबेदी ने अपना नाम भी जोड़ दिया था साथ में। वाकई में आजकल के बच्चे बड़े अद्भुत हैं, और ये कार्यक्रम जब मैंने देखा, मैं तो निरंतर कई वर्षों से आ रहा हूं, इसको वाकई में आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कह सकते हैं। जिस तरीके के कार्यक्रम बच्चों ने तैयार किए, मेहनत की। अदरवाइज सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे आजकल कहीं भी जाए तो 4 होटल मोटका यही चल रहा है, कहीं मुन्नी बदनाम हो रही है। लेकिन ये वाकई में सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसको इतनी मेहनत के साथ में वाकई में तैयार किया गया, और इस संस्कृत को बचाए रखने का कार्य जिस संस्था के माध्यम से हो रहा है, आदरणीय सतीश जी के माध्यम से, वाकई में बधाई के पात्र है। अदरवाइज अगर आजकल देखें हमारे बच्चे जो हमारे मुंबई में पल बढ़ रहे हैं, उनको जब मैं गाँव लाता हूँ तो बहुत कुछ उनको दिखाता हूँ बताता हूँ, तो उनको बहुत कुछ नहीं समझ में आता है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है। एक पिताजी तो अपने बच्चों को गांव लेकर के गए, बोले हम खेत खलियान दिखाते हैं। उन्होंने जाके एक पेड़ दिखाया, बच्चा देखो ये एप्पल का पेड़ है। बच्चे ने पूछा एप्पल का पेड़ तो ठीक है, पापा सैमसंग का पेड़ किधर है। सैमसंग का छोड़ो, वीवो को दिखा दो, एप्पो को दिखा दो। ये आज की पीढ़ी है। अगर बदलाव हम देखेंगे, जब हमारी यहाँ पर ये नई सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद से यहाँ पर काफी बदलाव आए। एक एक्ट यहाँ पर लगा था, जिस एक्ट का नाम था एंटी रोमियो एक्ट। समझ रहे हो लड़कों, हम लोगों की वजह से लगाया गया था ये एक्ट। लगाया गया था लड़कियों की सुरक्षा के लिए, ताकि लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी ना करे, कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब मैं लौट के आया यहाँ पर मैंने देखा तो इस एक्ट से सबसे ज्यादा लड़कियां ही परेशान थी। मैंने देखा कितनी लड़कियों को महीनों हो गए बेचारी पिज्जा नहीं खाई, बेचारी मोबाइल में जीरो बैलेंस डाल के घूम रही, अब 9 का बैलेंस
लग रहा है कि अब लड़कियां वाकई ज्यादा डर रही है। शाम को 7 बजे पहुंची, छूटती अंधेरा हो चुका है, लड़की बेचारी डरते डरते अकेले चली जा रही है। पहले देखो जब ये एक्ट नहीं लगा था, शाम को लड़की कोचिंग से छूटती थी, 2 बाइक वाले इधर, 2 बाइक वाले इधर, 10 लंबे पीछे, पूरी जेट पे सिक्योरिटी भी रहता था। कई बार हो जा हमारे जो मुद्दे चलते ना देश में, पिछले काफी समय से आप सुन रहे होंगे गाय माता, मुद्दा बना हुआ यार, गाय माता हमेशा से थी, है और रहेगी, लेकिन मुद्दा अभी बना है। लोग कहते हैं गाय माता गाय माता, तो हमने कहा अगर रिश्तेदारी निभानी तो पूरी निभाओ, अगर गाय को माता बोल दो तो सांड को भी बाप बोलो। अच्छा उसको बेचारे को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, आनंद नहीं दे रहा, सांड को सांड के नाम के तो ताने बने हैं, सांड जैसा मुंह खा के चलाता है, सांड जैसा पड़ा रहता है, बेचारी इसकी कोई इज्जत नहीं। अच्छा हम इंसान लोग हैं, हम वाकई में जानवरों से रिश्तेदारी बना लेते हैं। गाय माता हो गई, आपने सुना होगा बिल्ली मौसी, गाय माता बिल्ली, हम तो बताओ कहां से दोनों बहनें लगती हैं। और चंदा मामा, दो बहनें यहां पर, भाई वहां रहता है। अच्छा मौका पड़ता है तो हम गधे को बाप बना लेते हैं। अब सोचो इनकी आपस में क्या रिश्तेदारी हो, रिश्ते में बिल्ली गधे की साली लगी, गधा चांद का जीजा लगा, क्या चल रहा है यार, लेकिन यही चल रहा है। अच्छा मैंने देखा है बच्चों को, खासतौर से आप लोगों ने सबने ऑब्जर्व किया होगा, जिस बच्चों का पहाड़ा नहीं आता सर, बहुत लोगों को नहीं आता, उसका कॉन्फिडेंस देखिए कितना हाई होता है, पहाड़ा नहीं है। किसी मास्टर ने पूछा बच्चा बताओ 19 चौको, मास्टर साहब 19 चौको 68 नहीं, मास्टर साहब 19 चौको 72 नहीं, मास्टर साहब 19 चौको 75 कॉन्फिडेंस देखिए, यही बच्चा आगे चल के अरुण जेटली बनता है। अच्छा जब उस बच्चे के गार्जियन को अगर आप बताएं कि आपका बच्चा देखिए 19 चौको 75 बता रहा है, तो इनके गार्जियन भी ऐसे हैं, वो भी आके मास्टर साहब से बोलते हैं होता है जी आता है, एक ही तो कम बताया है। अरे भाइयों बहनों, इसके पहले वाले तो 19 चौको 88 बनाए। लोग अपने अपने हिसाब किताब देख लेते हैं। और वाकई में जिस तरीके से देश बदल रहा है, कई बार हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, बहुत लोग संतुष्ट नहीं होते, बहुत कुछ कितना भी अच्छा मिल जाए, आजकल हमारे प्रधानमंत्री पूरा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग उनसे भी खुश नहीं है। तो मैंने पूछा कि आखिरकार देश को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो किसी ने बताया कि सरदार पटेल जैसा चाहिए। हमने कहा एक साथ तो नहीं मिलेगा, सरदार जैसा मिल चुका, पटेल जैसा झेल रहे हैं। अच्छा जब भी मैं पूछता हूँ कि मनमोहन सिंह से क्या प्रॉब्लम थी, तो लोग एक ही बात बोलते हैं, कोई गलत बात नहीं बोलता है, लोग एक ही बात बोलते हैं कि मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे। हमने बोलते नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके मुंह से तुम्हें दादा दादी कहानी सुननी थी, बोलते नहीं थे। अब ये बोलने वाला भी ना, रोज सुनो कहानियां। मैं बोल देता हूं, नोटबंदी के समय इतनी कहानियां सुनाई थी, मैं पूछा भाई नोट बंद क्यों किए, बोले नहीं ये काला धन नहीं, ये आतंकवाद नहीं, ये विदेशी नहीं, ये अपना। अरे यार तुम भी सुनाओ यार कहानियां, इतनी कहानियां सुनी। एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा सर आपने नोट बंद क्यों किया, वाकई में बताइए, मन की बात बताइए, आप रेडियो में सुना दो, सामने से बताओ। तो उन्होंने कहा मित्रों, बात दरअसल उन दिनों की है जब मैं चाय लोग स्टेशन पे आकर के 10 रुपए की चाय पीते थे और 1500 का नोट थमा के चलते, छुपे की इतनी समझ।
समस्या होती थी कि मैंने उसी दिन सोचा था कि जिस दिन प्रधानमंत्री बनूंगा 1500 करोड़। हमने कहा छुट्टी की वजह से 1500 का नोट बंद किया, तो आपने 2000 का नोट लॉन्च कर दिया है, अब तो छुट्टी की और समस्या हो गई। तो बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है, अब मैं कौन सा चार भेजता। अच्छा हमारे देश में ऐसा होता है, अपने मन में जो आता लोग बोल देते हैं अपने मन का, किसी से कोई कंफर्म करने की जरूरत ही नहीं। किसी को यार इसकी यार शादी की उम्र हो गई, हमने तू कौन होता है डिसाइड करने वाले इसकी उम्र हो गई। कोई लोग बोलते नहीं यार सलमान खान की शादी की उम्र निकल गई, हमने तू क्यों डिसाइड कर रहा है निकल गई, हो सकता 10 साल बात कर भी ले। ऐसे लोग किसी मैयत में जाते कोई मर जाता वहां भी, यार ये कोई मरने की उम्र थी। हमने कहा ये तो ऊपर वाला डिसाइड करता है, तू क्या डिसाइड कर मरने की उम्र थी। हमने कहा ऐसे लोगों को अगर कोई 90-95 साल का 100 साल का आदमी मरता है वहां पे जाना चाहिए इनको, और वहां पे जाके बोलना चाहिए ये बहुत सही उम्र में मरे, एकदम परफेक्ट उम्र में मरते हैं। मतलब अगर और 1-2 साल रुक जाते तो लेट हो जाते। अपने मन से डिसाइड कर लो। तो इसलिए हमारे यहाँ पर हम जब तो खबरें देखते हैं ना, खबरों से हमको बहुत कुछ मसाला मिलता है। ऐसे किसी ने अपने मन से डिसाइड कर लिया मैं चौकीदार हूँ, कोई दूसरा डिसाइड कर लिया ये चोर है, चौकीदार चोर चौकीदार। हमने कहा यार देश चलाने के लिए वोट दिया था, ये चोर उठी के खेल देखने के लिए वोट दिया। एक दिन तो मैं बोला यार ये सब अच्छा नहीं लगता यार चौकीदार चौकीदार। हमने कहा मोदी जी पहले बता देते कि आपको चौकीदार बनना है, तो 2014 में इतना बड़ा बहुमत दे देते, एक सीट पे डंडा पकड़ा देते। अरे आपको जो गर्व से बोलना चाहिए भाइयों बहनों मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, आप बोलते हो चौकीदार। चौकीदार है सबसे बड़ी पोस्ट में आप हो, आप बोलते हो चौकीदार। हमने कहा आप चौकीदार हो तो जेटली जी कौन खिलाती है। हमने ये चौकीदार की पोस्ट पे किसी आदमी को रखना ही था तो बेचारे आडवाणी जी को रखते चौकीदारी बना देते उनको। वैसे भी 2014 से बेचारे रात रात भर जागी तो रहे हो, लेकिन उनको डाल दिया मार्गदर्शक मंडल में। पता नहीं कौन सा मंडल है, पहली बार सुना। हमने कहा मोदी जी आपसे अच्छे तो वाकई तो मनमोहन सिंह, उन्होंने 10 साल तक 10 जनपद की चौकीदारी की, लेकिन बोलते यही थे कि मैं इस देश का पता कर। तो मैं मुद्दों की बात करता हूँ, लोग चुटकुले ये सब तो बहुत सुनते हैं, बहुत मुद्दों की बात। इस वक्त अगर आप देश में देखें सबसे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा राम मंदिर, और कब से है राम मंदिर। मैंने इस पे कुछ ऑब्जर्व किया, मेरा घर है सर मुंबई में गोरेगांव में, 12 साल पहले रिडेवलपमेंट में गया था, आज तक मिला नहीं। मैं एक दिन भगवान के पास पहुंच गया मंदिर में, हाथ जोड़ के बोला, हमने कहा प्रभु 12 साल पहले मेरा घर रिडेवलपमेंट में गया था, आज तक मिला नहीं। आप यकीन जानो भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे बच्चा तेरा तो 12 ही साल हुआ है, मेरा तो कब से फंसा पड़ा है। टेंशन तो बेटा इस बात का है कि मेरा स्टेटस खराब हो रहा है। हमने प्रभु आपका स्टेटस, बोले हाँ आप बताओ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पूरी दुनिया हमको प्रभु मानती है, आज तक हम भटक रहे हैं। ये रजनीकांत जो है साउथ का अभिनेता ये हमसे बड़ा है। हमने नहीं, बोले उसका तो मंदिर बन गया, बताओ। तो कोई बात नहीं, अच्छा हमारा जो बिल्डर है वो बात राम और रामायण की करता है, लेकिन फॉलो महाभारत करता है। गलत मत समझना, महाभारत में कौन जीता था, जिसके साथ भगवान थे, और ये भी खाली जीतने के चक्कर में हमको साथ में रखते। अरे मैं तो कभी
भैया छोड़ दो यार हमको यार, इतने 25 साल से 30 साल से पकड़े हुए, छोड़ दो यार हमको, छोड़ देते तो हम भी अयोध्या से नोएडा शिफ्ट हो गए होते। अच्छा छोड़ते भी नहीं, कहते मंदिर वही बना हो गए, वही भी बना लो आपका एक बार सेट हो जाए यार, ये बोलते नहीं मंदिर वही बनाएंगे जहाँ पर राम जी पैदा हुए थे। हमने कहा मामला कोर्ट में है, आजकल के जज तो देख ही रहे कैसे खतरनाक है, कल को किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया तो यहाँ पैदा हुए दिखाओ। अरे बर्थ सर्टिफिकेट छोड़ो, यहाँ तो आधार कार्ड भी दिखाना है, और आधार कार्ड बनेगा भी नहीं क्योंकि उसके लिए भी एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो सारा टेंशन एड्रेस प्रूफ का है। भक्तों समझने की कोशिश करो, हमें प्रभु आप तो महान है, आप अपने भक्तों को क्यों समझा रहे हैं? मुझे बच्चा, मैं अपने भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे भक्त तो बहुत समझदार हैं। ऐसे समझ में के साथ माहौल बदलता रहता है देश की राजनीति में, चुनाव में, न्यूज में, मीडिया में। अभी पिछले दिन तो आपने सुना होगा हनुमान जी अचानक पॉपुलर हो, अचानक हम सबके प्रभु आराध्य हनुमान जी, बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ करके हम लोग पढ़े हुए, लेकिन अचानक हनुमान जी को न्यूज मीडिया में, कोई कह रहा कि हनुमान जी दलित थे, कोई कह रहा हनुमान जी मुसलमान थे, एक साहब आए उन्होंने बोला हनुमान जी चाइनीज थे, कोई कुछ भी बोल रहे। अच्छा दलित वलित तो ठीक है कोई बोल सकता है, हनुमान जी मुसलमान थे, ये सुन के हिंदू लोग बहुत टेंशन में आ गए, हनुमान जी मुसलमान, अच्छा मुसलमान उससे ज्यादा टेंशन में आ गए, उनको लगने लगा कि हनुमान जी मुसलमान हैं, तो क्या जुमे के साथ साथ मंगलवार को नमाज पढ़नी पड़ेगी? सुषमा जी आजकल वही काम कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्कों में फंसे हुए लोगों को भारत वापस ला रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, मैंने कीर्ति आजाद साहब, उन्होंने मुझे हनुमान जी चाइनीज थे, हमने कहा जी चाइनीज बोला, कल को पड़ोसी मुल्क बोल रहे हनुमान जी घुसपैठिए थे। पड़ोसी मुल्क का मतलब हमेशा पाकिस्तान नहीं होता है, मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे हनुमान जी गए थे ना बगैर वीजा के, पासपोर्ट के, क्या कोई कुछ भी बोल रहा है। फिर पीछे से कहा, बोला नहीं भैया हनुमान जी मोदी थे, हमने कैसे बोले, जो हनुमान जी ने काम किया वही मोदी जी ने किया, हनुमान जी पहाड़ पे गए थे संजीवनी बूटी लेने, हमने कहा, बोले संजीवनी बूटी ढूंढी नहीं मिली, क्या किया पूरा पहाड़ उठा के लिया है, मोदी जी को काला धन निकालना था, समझ में नहीं आया, पूरे देश के नोट बंद कर दिए, पहले तक तो मोबाइल ठीक था, अब आप सुबह उठो ये मोबाइल व्हाट्सएप आपको उठाता है, जगाता है, सुलाता है, सब यही काम करता है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। सुबह आप सो के उठेंगे, सबसे पहले 50 लोगों के व्हाट्सएप, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ये कोई चाय की प्लेट भेजे दे रहा है व्हाट्सएप में, कोई फूल, कोई पत्ती, उठो। हमें इतने लोग भेजते हैं, ऐसा लगता है कि लोग नहीं भेजेंगे गुड मॉर्निंग, हम सारे उठेंगे नहीं क्या? उसी में चाय नाश्ता करा देते हैं, सब भेज देते हैं। अच्छा गुड मॉर्निंग तक का तो ठीक है, आपने देखो कि ऐसे गुड नाइट के मैसेज भी आते हैं, एक बार तो रात में हम सो गए 12 बजे, टिंग टोंग उठा के देखा, क्या यार गुड नाइट, हम सो ही तो रहे थे। उठा के जगा के बोल
बोलते हैं गुड नाइट। अच्छा कुछ लोग ऐसे गुड नाइट का मैसेज हमने देखा शाम को 7:30-8 बजे भेज देते हैं गुड नाइट। ऐसे लोगों के ऊपर मुझे बड़ा शक होता है, ये हमको जल्दी काहे सुला रहा है, हमसे क्या डर है इसको, 8 बजे हमको सुला के कहां जाएगा। अच्छा गुड नाइट गुड मॉर्निंग तक तो ठीक है, हर दिन के मैसेज आ गए हैप्पी संडे। इतने लोग बैठे हैं, पूछो किसका संडे हैप्पी होता है, बेचारा मंडे से सैटरडे तक काम करता है और संडे के दिन जांघिया पहन के जाला साफ कर। लड़के बच्चों बाल कटाने लिए चला जा, चाटो बर्तन पड़े बोलती आज झंडे झंडे आगे मान लो, बेचारा संडे तो और दुश्मन है उसका है संडे। हैप्पी संडे भी ठीक है, इसके बाद फिर हैप्पी मंडे। किसी बच्चे से पूछ के बताओ किसका मंडे आज तक हैप्पी हुआ। यार संडे की छुट्टी होती है, इसके बाद मंडे को सुबह उठना बड़ों बड़ों को भारी पड़ता है, हैप्पी मंडे। सुबह सुबह ऑफिस में काम करने वाला आदमी उसको हैप्पी मंडे भेजो ना तब जाता है, तो हैप्पी मंडे, यहाँ संडे की उतरी नहीं है, लेट ऊपर तो हो गया, पानी गर्म आया नहीं, ठंडे पानी नहाना है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑफिस जा रहे हैं रस्ते में ट्रैफिक है, लेट हुआ जा हैप्पी मंडे। ये वाकई में मैसेज बड़ा खराब कर रखा, मंडे मंडे तक तो ठीक है, अभी आ रहा है 10 दिन बाद सो रहा है, फोन करो कहाँ हो, बोलता मीटिंग में है। एक बार तो
समझ नहीं आता रजाई के अंदर कौन सी मीटिंग चल रही है। काम कर रहे हैं सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।